आज प्रिंस में रेडिजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 1 मई, अप्रैल का मंथ कैसे बीत गया पता नहीं चला। तो आज 1 मई है, तो 1 मई है लेबर डे, आज मनाया जाता है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस के आप सबको शुभकामनाएं। तो डेली करेंट अफेयर्स में आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 1 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ से कवर करते हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे कोई भी स्टेट का हो, चाहे UPSC हो, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल में से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस आपका 30 अप्रैल को मनाया गया, याद रखिएगा कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भेल, नीति आयोग, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसरो के साथ यह समझौता किया है, जो कि हाल ही में कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए इसरो के साथ यह समझौता किया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाल ही में शिवालिक इस्माइल फाइनेंस बैंक MD एंड CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सुबन बेरी, अंशुल स्वामी, सत्येश्वरन, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में शिवालिक इस्माइल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नामित किया गया अंशुल स्वामी को, जो कि MD CEO के रूप में इनको नियुक्त किया है। शिवालिक इस्माइल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इंडिगो एयरलाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिगो एयरलाइन, जो कि गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है, इंडिगो एयरलाइन। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में कहाँ अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो कानपुर, नई दिल्ली, पंतनगर, इनमें से कोई नहीं। तो अभिनव कृषि राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन आपके नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BS राजू, HD कानिया, S राशि, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में BS राजू को नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, BS राजू जी को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में सलीम घोष का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गायिका, पत्रकार, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। तो सलीम घोष जिनका निधन हुआ है, एक पेशे से अभिनेता थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिनेता। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन सूरत में किया गया है। इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किसने अमित शाह अनि भाजपची वच्चल नामक पुस्तक का विमोचन किया था? देवेंद्र फडणवीस, ईश्वर, सत्येश्वरन, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अमित शाह अनि भाजपची वच्चल नामक पुस्तक का विमोचन आपके देवेंद्र फडणवीस ने इसका विमोचन किया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वाट लिस्ट में शामिल किया गया? तो रूस, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका है जो भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वाच लिस्ट में शामिल कर लिया है अमेरिका ने।
आज के हमारे 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो स्मृति हांडा, जसलीन कोहली, चारुदत्त मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड जीत लिया है चारुदत्त मिश्रा ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चारुदत्त मिश्रा ने विटली गोल्ड अवार्ड जीता है हाल ही में। हाल ही में किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सतीश्वरन, आरदेसी बी के दुबास, विश्वास पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आरदेसी बी के दुबास, जो को हाल ही में पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन आरदेसी बी के दुबास याद रखेगा, इन्हीं को राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, जिसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कांस्य पदक उन्होंने जीत लिया है। 14 क्वेश्चन, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने भारत में अपना नया मिशन खोला है? तो फ्रांस, लिथुआनिया, पोलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो लिथुआनिया है जो कि यूरोपीय देश है, जो भारत, तो लिथुआनिया में भारत ने अपना नया मिशन खोला है लिथुआनिया में। तो इसका बी ऑप्शन लिथुआनिया, जो कि नया मिशन भारत ने खोला है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में इफिंडी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार कौन बने हैं? तो विजय सांपला, विशाखा मूल्य, रजनीश कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो रजनीश कुमार जो कि इफिंडी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार बन गए हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अच्छा, करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू।